स्टूडेंट टीच फॉर क्लास 8। आज हम लोग हिंदी में लेसन 10 की रीडिंग करेंगे। लेसन 10 हमारा है योग्यता की पहचान। बच्चों, इसमें योग्यता को देखा गया कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आपको टीचर पढ़ाता है तो आप पहचान करता है ना कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कितना ज़्यादा सीख सकते हो या कैसे समझ रहे हो, आपकी समझ क्या है। तो वही इस लेसन के माध्यम से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। नागार्जुन अपने जमाने के प्रख्यात रसायन शास्त्री थे। उन्होंने अपनी चिकित्सीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियां तैयार की। वह निरंतर अपने प्रयोगशाला में जुटे रहते और नित नई औषधियों की खोज करते। नागार्जुन जब वृद्ध हो चले तो उन्होंने एक बार राजा से कहा, राजन, प्रयोगशाला का काम बहुत बढ़ चला है। अपनी अवस्था को देखते हुए मैं भी अधिक काम करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे अपने काम के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। राजा ने ध्यान से नागार्जुन की बात सुनी और कुछ सोच कर कहा, कल मैं आपके पास 2 कुशल और योग्य नवयुवकों को भेजूंगा, आप उनमें से किसी एक का चयन अपने सहायक के रूप में कर लीजिए। अगले दिन सवेरे 2 नवयुवक नागार्जुन के पास पहुंचे। नागार्जुन ने उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे उनकी योग्यता के बारे में पूछा। उन्होंने ही नवयुवक समान योग्यताएँ रखते थे। दोनों नवयुवक समान योग्यताएं रखते थे और पढ़े लिखे भी दोनों समान थे। अब नागार्जुन के सामने एक समस्या उठ खड़ी हुई कि वह उन दोनों में से किसे अपना सहायक चुने। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद नागार्जुन ने उन दोनों को एक एक पदार्थ दिया और उनसे कहा, यह क्या, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम स्वयं इसकी पहचान करो और फिर इसका कोई एक रसायन अपनी मर्जी से के अनुसार बनाकर लाओ। इसके बाद ही मैं यह निर्णय करूंगा कि तुम दोनों में से किसे अपना सहायक बनाऊं। दोनों युवक पदार्थ लेकर उठ खड़े हुए। तब नागार्जुन ने कहा, तुम लोगों की मैं परसों प्रतीक्षा करूंगा। वह दोनों युवक जैसे ही जाने को हुए, नागार्जुन ने फिर कहा, और सुनो, घर जाने के लिए तुम्हें पूरा राजमार्ग तय करना होगा। दोनों नवयुवक उनकी अजीब शर्त सुनकर हैरत में पड़ गए और सोचने लगे कि आश्चर्य, उन्हें राजमार्ग पर से होकर ही जाने को क्यों कह रहे हैं। लेकिन आचार्य से उन्होंने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और वहां से चले गए। तीसरे दिन सायं दोनों नवयुवक यथासमय नागार्जुन के पास पहुंचे। उनमें से एक नवयुवक काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और दूसरा खामोश। नागार्जुन ने पहले युवक से पूछा, क्यों भाई, वह रसायन तैयार कर लिया? तो बच्चों, जैसे तुम लोग क्लास में आते हो तो पूछा जाता है ना कि होमवर्क कंप्लीट किए कि नहीं, तो वही चीज़ इन लोगों का था। तो अब नागार्जुन ने उनसे पूछा कि आप जो हैं अपना रसायन बनाया कि नहीं, तो उसमें से जो बनाया था वो तो खुश हो गया तुम लोगों की तरह, और जो नहीं बनाया था वो चुप था। अब देखो क्या होता है। युवक ने तत्परता से प्रत्युत्तर दिया, जी हाँ, मैंने उस पदार्थ को पहचान कर रसायन तैयार कर लिया है। तब नागार्जुन ने तैयार रसायन की परख की और उसके संबंध में युवक से कुछ प्रश्न किए। युवक ने उनके सही सही उत्तर दे दिए। तब नागार्जुन ने दूसरे युवक से पूछा, तुम अपना रसायन क्यों नहीं लाए? युवक ने उत्तर दिया, आचार्य जी, मुझे बहुत दुख है कि मैं रसायन बनाकर नहीं ला सका। हालांकि मैंने आपके दिए हुए पदार्थ को पहचान लिया था। लेकिन क्यों, नागार्जुन ने पूछा। युवक ने उत्तर दिया, जी मैं आपके आदेश के अनुसार राजमार्ग से होकर गुजर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध बीमार व्यक्ति पड़ा दर्द से कराह रहा है और पानी मांग रहा है। कोई उसे पानी तक देने के लिए तैयार नहीं था। तब सब अपने अपने रास्ते चले जा रहे थे। मुझसे उस वृद्ध की यह दशा देखी नहीं गई और मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। वह अत्यधिक बीमार था। मेरा सारा समय उसकी चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा में लग गया। अब वह स्वस्थ
अब वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, इसलिए मैं आपके द्वारा दिए गए पदार्थ का रसायन तैयार न कर सका, कृपया मुझे क्षमा करें। इस पर नागार्जुन मुस्कुरा उठे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं तुम्हें अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। अगले दिन जब नागार्जुन राजा से मिले तो राजा ने आश्चर्य से पूछा, आचार्य जी, मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने रसायन बनाकर लाने वाले युवक के स्थान पर उस युवक को क्यों अपना सहायक बनाना स्वीकार किया जो रसायन बनाकर नहीं ला सका। तब नागार्जुन ने बताया, राजन, मैंने उचित ही किया है। जिस नवयुवक ने रसायन नहीं बनाया उसने मानवता की सेवा की। दोनों नवयुवक एक ही रास्ते से गुजरे, लेकिन उस वृद्ध बीमार की सेवा के लिए रुक गया और दूसरा उसे अनदेखा कर चला गया। मुझे पहले ही ज्ञात था कि राजमार्ग में एक पेड़ के नीचे बीमार आदमी पड़ा है। स्वयं जाकर उसे अपने यहाँ लाने की सोच रहा था कि संयोग से दोनों युवक आ पहुँचे। तब मैंने योग्यता की परख के विचार से इन्हें राजमार्ग से ही जाने का निर्देश दिया। रसायन तो बहुत लोग तैयार कर सकते हैं, किंतु अपने स्वार्थ को भूलकर मानवता की सेवा करने वाले सेवाभावी बहुत कम हुआ करते हैं। मेरे जीवन का ध्येय है कि मानवता की सेवा करना है, और मुझे ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सच्चे मन से मानव सेवा कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि आप के द्वारा भेजे गए नौ युवकों में से एक मानवता की सेवा के लिए तत्पर निकला। यही कारण है कि मैंने उसका चयन किया। राजा नागार्जुन का की यह अनुभव भरी व समझपूर्ण बात सुनकर उनके आगे श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। बच्चों, इस पाठ के लेखक जो हैं राजकुमार जैन जी हैं। तो इस तरह हमारा लेसन कंप्लीट होता है, इसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, और आप लोगों को वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पे राइट करना है। और ये इस बात को हम हर वीडियो में बताते हैं, हर लेसन के साथ आपको बताते हैं। प्रख्यात, मशहूर, औषधियाँ, दवाइयाँ, असाध्य, जिसका इलाज संभव ना हो, परखना, जाँच करना या आजमाना। तो आप लोग इसकी रीडिंग कर डालना और कॉपी को कंप्लीट कर लेना, यही आपका होमवर्क है। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।